New Zealand, no doubt, is a good team. But if Mujeeb plays, Nabi plays, Rashid plays, Hamid, that Naveen guy, this is a proper bowling attack. And backing by, I don't know how many millions of Indians worshipping gurus, babas, tantric, mantric, you know, all be supporting and trying somehow to make it happen. Today, I think, is going to be the drama because of, as you said earlier, the gods are out, everyone is down on their knees praying for Indian fans, for Afghanistan to come through today. And if they do, I think everyone will be happy around the globe, you know, who supports India. Yeah. And in India as well. I think as you speak about the Sai Babas and all these folks, you know, Krishna will come into play. Get it done, Afghanistan. They lost two games early. Aggressiveness bhi thi, jis tarike se, you know, strike rotation thi, jis tarike pe unke chehre pe nazar aa raha tha, that was amazing. Aur sabse achhi baat jo Rizwan ne ki, ke phir usne, mashallah, उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी था। और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। आपने देखा पाकिस्तान के कुछ लोग, ये तो कुछ वीडियो थे, बहुत सारे ऐसे वीडियो जो मैं और भी अपलोड कर सकता हूँ, जिसमें शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, इंजमाम उल हक, शहीद अनबर, सोहिल तनबीर, अब्दुल रजाक और ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम आ सकते हैं जो इस कैटेगरी में बड़े आसानी से फिट हो सकते हैं, मतलब रिलीजन को लेकर ये कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो सबसे पहले वीडियो की बात करता हूं, आकिब जावेद का हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा, मैंने अपलोड किया था, जिसमें वो बात कर रहे थे बुमराह, शुमराह, कोहली, वोली कौन है, शाहीन अफरीदी नंबर वन और बाबर आजम नंबर वन। ठीक है भाई, ये बात सही है, तुम्हारे पाकिस्तान के लिए वो नंबर वन अच्छी बात है, तुम पाकिस्तानी हो तो डेफिनेटली तुम उन्हें नंबर वन कहोगे, तुम्हारा ये हक है कहने का। और तुम ये भी बोल सकते हो कि कोहली फ्लैट पिचेस पर खेल खेल कर बड़ा हुआ है, अब तुमने मैचेस नहीं देखे, मतलब भारत के जो बाहर खेला है, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऋषभ पंत, सूर्या वूर्या, इस तरीके की बातें की थी मैंने। पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे, दो तीन वीडियो नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो। लेकिन यहाँ पर पूरा मामला ये अलग है, ये बात हो रही थी अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से पहले की, और आपको भी पता है अगर अफगानिस्तान वो मैच जीता तो भारत सेमीफाइनल के लिए 100% क्वालिफाई करता, क्योंकि भारत की नेट रन रेट ग्रुप में पाकिस्तान से भी अच्छी थी, पाकिस्तान नंबर वन टीम था ग्रुप में, आपको भी पता। तो दोस्तों ये बातें हो रही थी, तो अब आपको पता कि ये बात है तो नॉर्मल बात है, डेफिनेटली इस तरीके के बैंटर सोशल मीडिया पर चलते हैं, इवन हम लोग भी कहते हैं कि भाई अरे वो जादू टोना करवा रहा है बाबा, ये वो, ये चीज़ें छोटी हैं। लेकिन इस बात का मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस बार सोशल मीडिया पर रिलीजन को लेकर हेट्रेट इतना ज़्यादा है कि आप माने ना माने, वकार ने दिया, फिर बयान दिया, किसने बयान दिया, शेख रशीद ने, कि इस्लाम की, आलम इस्लाम की जीत हुई, मतलब इस्लामिक दुनिया की जीत हुई। फिर एक वीडियो और मैंने अपलोड करना भूल गया, जो बाबर आजम से इंटरव्यू ले रहा था, पाकिस्तानी था, कुफ्र टूट गया, इस तरीके की बातें हुई। तो आप समझ सकते हो, अब पे इस्लाम की जीत हो गई उस मैच में, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में इस्लाम की हार हो गई, यही बातें लिखने लगे लोग सोशल मीडिया पर ये बात लिखेंगे तो डेफिनेटली जो मुस्लिम है इधर, वो कहीं का भी हो, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, हिंदुस्तान का, उसको बुरा लगेगा। और बस यही बातें शुरू हो गई कि इस्लाम की हार हो गई। तो डेफिनेटली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपको भी पता है कि अब एक बंदा जब इस्लाम की जीत बता रहा है तो दूसरे बंदे इस्लाम की हार को लेकर सेलिब्रेट करेंगे, रिएक्शन का रिएक्शन होगा, और वही हुआ। अब आकिब जावेद की बात पर आता हूं, आकिब जावेद ने इतनी आसानी से बोल दिया, गाइस अगर इस एक्शन का अगर आप रिएक्शन करेंगे ना, तो सर तन से जुदा वाली गैंग एक्टिव हो जाएगी। आपको भी पता है कि वहां पर गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, ये मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुत कॉमन नारा है, और ये बेसिकली आपने सुना होगा भी फ्रांस के खिलाफ जो कंडीशन हुई थी उसको लेकर ये नारा काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो फ्रांस से, तो हालांकि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना खुद जाकर उनकी कंट्री में मैक्रॉन से मिल रही हैं, और पाकिस्तान में हर 6 महीने में वो तहरीक लब्बैक वाले आकर
वो बेहतरीन अच्छा मतलब 6 महीने में आग वाग लगाते हैं और उनका मार्च वार्च निकलता है, फिर सेटल डाउन होता है, इस तरीके की वहाँ चीज़ें चल रही हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यही बात है मतलब भारत का कोई एक्स क्रिकेटर करता तो फिर सामने से बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। तो भैया तुम भी ये बात मत करो, तुम अपने अंदर देखो कि तुम्हारे अंदर कितना बर्दाश्त है, मैं ये बोल रहा हूँ। हालांकि ये बातें बहुत कॉमन बातें हैं, ये डेफिनेटली बहुत कॉमनली यूज हो जाती हैं कि भाई तू पूजा पाठ कर रहा है मैच जिताने के लिए, ये और वो, ये सब कॉमन बातें हैं। लेकिन आज के समय में क्या है कि अगर तुम अपने मतलब अपने रिलीजन को लेकर इतना एग्रेसिव हो कि मेरा बेस्ट मेरे सामने सब वेस्ट, भाई किसी को नहीं जानते हम, तो भाई वो तुम्हारे लिए बेस्ट है ना, तुम्हारे लिए वो सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारे लिए वो मतलब क्या बोलूँ मैं, दुनिया की सबसे वो है। तो दूसरे पर मत अप्लाई करो, दूसरे के कमेंट सेक्शन में जाकर ये मत बोलो। अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा, वसीम अकरम का एक वीडियो पढ़ा है सचिन तेंदुलकर को लेकर, आप देखिएगा, ब्लैक कलर की शायद उनने टी शर्ट शर्ट पहनी और बहुत मतलब यंग एज, शायद वो बहुत पुराना वीडियो है। तो उसमें किसी इंडियन ने लिखा कि गॉड ऑफ स्विंग वसीम अकरम किंग, इस तरीके का कमेंट किया उसमें। उसके नीचे मैंने देखा कि एक मुस्लिम ने कमेंट किया कि देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज नो गॉड, ओनली अल्लाह इज अवर, मतलब ऐसा कुछ लिखा उसने। तो मैंने कहा भाई वो उसका क्या रेफरेंस ले रहा है, उसको मतलब सचिन तेंदुलकर को अगर भारत में भगवान बोला जाता है तो क्या उसका मतलब ये थोड़ी ना हो कि भगवान पूजने वाला भगवान हो गया, मतलब यार क्या रेफरेंस ले रहे हो यार। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई सीरियसली यार इतना मतलब पागलपन घुस गया है लोगों के अंदर रिलीजन का, या तो फिर वो सोचते हैं कि सब यही माने और यही बात माने कि बस हमारे बेस्ट हैं बाकी सब, किसी का मतलब सामने वाले का कोई बेस्ट नहीं है। तो इस तरीके की अगर चीज़ें हैं तो फिर सामने वाला भी एक्शन करेगा, सामने वाला भी वही बातें करने लगेगा, और जो कि आज के टाइम पे मतलब आप देख रहे हो होने लगा है। सामने वाला इतना एग्रेसिव नहीं था, सामने वाला का मतलब नॉन मुस्लिम इतना एग्रेसिव नहीं था, जो भारत में है बेसिकली नॉन मुस्लिम सबसे बड़ी पॉपुलेशन तो हिंदुज़म है, तो वो एग्रेसिव नहीं, तो वो भी एग्रेशन दिखाने लगा। ये एक्शन का रिएक्शन जो पिछले 4-5 साल में हुए ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा दिखा है। और आपको क्या लगता है भारत पाकिस्तान के मैच अगर कंटिन्यू हुए तो इस तरीके की बातें फिर होंगी और वही नफरतें वही हेट्रेट, जो कि आपको पता है नफरत 1000 गुना रफ्तार से तेज़ी से फैलता है और पॉजिटिवनेस तो फैलती नहीं है अगर कोई पॉजिटिव चीज़ हो जाए। मोहम्मद शमी को लेकर एक कांड हुआ, आपको भी पता 28 लोगों ने गालियां दी, हालांकि वो भी गलत थी भाई, क्यों बोलना तुमको उसको गद्दार वद्दार दृष्ट हुई, वो भी गलत थी क्यों बोलना, और बहुत गालियां पड़ी। लेकिन उससे 1000 गुना ज़्यादा विराट कोहली को पड़ी, उससे 1000 गुना ज़्यादा रोहित शर्मा केएल राहुल को पड़ी, लेकिन वो क्योंकि डेफिनेटली वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते थे, मोहम्मद शमी ने भी नहीं खेला, लेकिन जो उसको फॉलो करने वाले हैं या जो उसको लेकर न्यूज़ बना सकते थे, इवन पाकिस्तान में इसका खबर को इतना ज़्यादा कवर किया गया, मुसलमान होने की वजह से उसके साथ ये हुआ वो हुआ, अरे भाई मुसलमान होने की वजह से होता तो मोहम्मद शमी इंडिया टीम में पहुँचते नहीं। शाहरुख खान की बेटे को लेकर पाकिस्तान में ये हुआ, टू नेशन थ्योरी सही थी, शाहरुख यहाँ आ जाता, शाहरुख अगर वहाँ जाता तो क्या कर रहा होता मुझे वो तो पता नहीं, लेकिन शाहरुख यहाँ पर रहकर शाहरुख बन गया, मतलब दिल्ली से आके मुंबई में, मुंबई से आके आपको भी पता कि एक्टर कितना बड़ा एक्टर बन गया, ये हिंदुस्तान में हुआ। तो भाई क्या तुम फेक न्यूज चला, क्या मतलब सोच क्या है तुम्हारी, बस एक ही चीज़ रिलीजन। पाकिस्तान से लोग आकर कुछ कॉमेंट करेंगे, अरे तुम गलत हो यार तुम्हें कुछ नहीं पता, इस तरीके की बातें कॉमेंट करेंगे, डेफिनेटली कॉमेंट करेंगे। भाई जो मैं देख रहा हूँ वही देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, मैं कोई इतना बड़ा कोई रिलीजन को लेकर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं मतलब जो कमेंट पढ़ता हूं, आप भी शायद उनमें से बहुत सारे लोग मेरे जैसे लोग हैं जो कमेंट पढ़ते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। भाई तुम्हारे लिए तुम्हारे बेस्ट हैं, ठीक है अच्छी बात है, तो उसको थोपो मत किसी और को। अब जैसे आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन या कोई भी मतलब विक्रांत गुप्ता, इवन कोई भी कभी भी फेस्टिवल में अगर मान लीजिए गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी में गणेश जी की फ़ोटो डाल रहा है, उसके नीचे क्या ये मूर्ति पूजने वाले, ये मतलब इस तरीके के कॉमेंट आते हैं, और स्पेशली मैंने देखा पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, भले वो बेवकूफ़ लोग हैं भाई, फिर उसके रिप्लाई में क्या होगा आपको भी पता है, आपने यहाँ पर उल्टा सुलटा बोला, फिर सीधा आपके मतलब भगवान है अल्लाह को उल्टा सीधा बोला जाएगा। यही चीज़ है सोशल मीडिया के कारण बहुत ज़्यादा हेट्रेट फैल रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत पाकिस्तान के मैच कभी ना हो, क्योंकि इससे हेट्रेट बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो और भी रीज़न है, पॉलिटिकल रीज़न तो है और आपको पता है वो सब, मैं पॉलिटिकल रीज़न बताने के लिए बैठा नहीं हूँ, मैं सीधा सीधा हेट्रेट वाली बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हेट्रेट फैल रही है, और इस तरीके की अगर और बातें होंगी तो और हेट्रेट कई गुना रफ्तार से फैलेगी। आपके क्या कॉमेंट है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद दोस्तों।